कान खोलकर सुन ले कि मैं गोपाल बस्सी हूं, मंडल में अकेला आऊंगा और देवनारायण भगवान का जो मंदिर है उसे मैं अकेला खोलकर जाऊंगा। अगर तुम्हें तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो मुझे रोक कर बता देना, मुझे गिरफ्तार करके बता देना। जो 45 सालों से मंदिर बंद है मंडल के अंदर, ज्यादा दिन बंद नहीं रहने वाला है, मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज कर देना, गोली चला देना। जिस तरह से प्रशासन ने इस समाज को डराने धमकाने का कार्य किया है, हमारे 100 लड़कों को गिरफ्तार किया है, तो अब की बार मैं कोई भीड़ लेकर नहीं जाऊंगा और मैं अकेला उस मंदिर को खोल कर आऊंगा। और पुलिस प्रशासन से भी मैं सीधी चेतावनी देना चाहता हूं कि तुम्हारे बाप की बापूती नहीं है, ये भीलवाड़ा की धरती है, ये भगवान श्री देवनारायण की जन्मभूमि है। जिस प्रकार से हमारे देवी देवताओं को कुछ एक समुदाय विशेष के लोगों ने, जब से मेरा जन्म नहीं हुआ जब से बंद करके रख रखा है, मैंने जानकारी ली थी उस मंदिर की, तो वहां के जो कई प्रशासन के अधिकारी है उनसे भी मैंने संपर्क किया, वो कहते हैं कि प्रशासन के अंडर में है, कोर्ट के अंडर में है मामला। जब हमारे देवता ही प्रशासन के हाथों में है तो मुझे तो मेरा तो खून मुझे इजाजत नहीं देता शांति से बैठने की। मेरे अंदर भी गुजरी का खून है, मेरी रगों में भी पन्ना भाई का खून है, मैं भी भगवान श्री देवनारायण का वंशज हूँ। और कर्नल फैसला ने हमें लड़ना और मरना सिखाया है, पीठ दिखाकर भागना गुजरो हमारे खून की।